नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीटिलीन दवाई के बारे में, जो 3x में, 30 CH में, 6 CH या 200 CH में यूज की जाती है। इसके फायदे नुकसान के बारे में बात करेंगे, क्या इसकी सही डोज लेनी चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। 3x हो या 30 CH हो, सभी के काम सेम रहते हैं, एक बायोकैम है, एक डाइल्यूशन है। तो इसकी बीमारियों के बारे में अगर बात करें तो ये दवाई दी जाती है खासतौर पर बुखार में। अचानक से पेशेंट को सर्दी लगने से अगर बुखार आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है। इसके अलावा ये दवाई दी जाती है सिर दर्द के लिए। सर्दी जुकाम के साथ साथ पेशेंट को सिर दर्द की शिकायत अगर हो जाती है तो ऐसे केसेस में मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे इरेगुलर पल्स रेट में भी देते हैं, जहाँ पेशेंट को पल्स रेट नॉर्मल नहीं देखी जा रही है पेशेंट की, तो ऐसे केसेस में ये दवाई दी जाती है। पेशेंट की पल्स रेट वीक आती है, इरेगुलर आती है, तो ऐसे केसेस में पल्स रेट सही करने के लिए मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई दी जाती है एंकल में या फिर पेशेंट को फीट में अगर स्वेलिंग देखी जा रही है। ये दवाई वीकनेस में दी जाती है, सर्दी जुकाम में या बुखार में पेशेंट को वीकनेस देखने को मिलती है, फेंटिंग महसूस होती है, फेंटनेस महसूस होती है, तो ऐसे केसेस में बहुत इफेक्टिव रहती है। आंखों की कुछ परेशानियों में भी यह दवाई असरदार रहती है। प्यूपिल का डायलेशन अगर देखने को मिल रहा है या फिर रेटिना की वेसल्स श्रिंक हो गई हैं, तो ऐसे केसेस में भी आंखों की परेशानियों में दी जाती है। स्किन डिस्कलरेशन में भी ये मेडिसिन कुछ केसेस में पेशेंट्स में दी जाती है, लेकिन खास तौर पर इस दवाई का यूज़ किया जाता है बुखार में। बुखार के केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसको बुखार में तब दिया जाता है जब पेशेंट को टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ता ही जा रहा है, पेशेंट को ठंड लग रही है, कोल्ड के सिम्टम्स आ रहे हैं। ये शिवरिंग को कम करती है, टेम्परेचर को कम करने में मददगार रहती है, और बुखार के साथ साथ दर्द शरीर में अगर अकड़न देखी जा रही है तो उसमें भी राहत देती है। होम्योपैथी में इसको एज ए डोलो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही इन दवाइयों का या किसी भी होम्योपैथी दवाई का सेवन करना उचित रहता है। अगर आपको ऐसी कंडीशन बार बार आ रही है या फिर एक्यूट केस में भी आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर ले। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी